तो भाई सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 लाख रुपए का लोन। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख रुपए का लोन आप देख सकते हो, 5 लाख रुपए का लोन मुझे मिला है। ठीक है, सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी मैं प्रॉपर डिटेल आपको शेयर कर देता हूँ कैसे आपको लेना है लोन। ये पूरे 5 लाख रुपए का लोन है। ओके, मैं आपको पूरा बताऊंगा A to Z कैसे आपको भी मिल सकता है लंबा लोन, अच्छा खासा लोन, अच्छे खासे समय के लिए। सो गाइज अगर आपको भी लोन चाहिए, वीडियो पूरा आखिरी तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा। बाकी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और जिनको भी लोन चाहिए होगा वैसे दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बाकी लोन लेने से पहले कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आप लोन का टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर सकते हो, समय से लोन का EMI चुका सकते हो, तभी लोन के लिए अप्लाई करिएगा, तभी लोन लीजिएगा। सही में कोई इमरजेंसी होगा, आपको पैसों की जरूरत होगी, तभी लोन लीजिएगा। और कोई भी लोन एप्लीकेशन अगर आपको लोन देने से पहले आपसे 1 भी रुपया मांगे प्रोसेसिंग फीस या फिर सिक्योरिटी मनी के नाम पे, तो बिल्कुल मत दीजिएगा। अब चलिए फटाफट से मैं बात कर लेता हूँ इस लोन एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना इस एप्लीकेशन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग, एंड देन हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको मिलेगा लोन। ओके, तो सबसे पहले गाइज हम यहाँ पे इस एप्लीकेशन को पहले ओपन करते हैं। गाइज अब पूरा वीडियो ना एकदम आराम से बैठ जाइए और अच्छे से देखिएगा, जो जो मैं बताऊंगा सब कुछ आपको देखना है, देन आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे गाइज अब यहाँ पे दोस्तों देख लो, यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया होगा, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये एप्लीकेशन इंस्टेंट पर्सनल लोन आपको दे देता है। मिनिमम आपको 3,000 मिल जाएगा, मैक्सिमम 5 लाख। ठीक है, मिनिमम 3,000, मैक्सिमम 5 लाख, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, जैसा आपका सिविल होगा वैसा ही लोन देगा। लेकिन जैसे जैसे गाइज आप लोन चुकाते जाओगे मेरी तरह, आपको भी 5 लाख रुपए तक का लिमिट मिल जाएगा। आप चाहो तो इस लिमिट को ले सकते हो। ठीक है, मेरा इससे पहले बहुत सारा लोन चल चुका है, अभी भी एक 18,000 का लोन ऑलरेडी चल रहा है और 5 लाख का लोन ये है, तो पूरा बताता हूँ आपको, पहले पूरा डिटेल शेयर करता हूँ। मिनिमम लोन 3,000, मैक्सिमम 5 लाख। इंटरेस्ट रेट मिनिमम 16%, मैक्सिमम 29.95%। इंटरेस्ट रेट काफी कम है, बाकी लोन एप्लीकेशन से तो काफी ज्यादा कम मुझे लगा। मिनिमम टेन्योर 3 महीना, मैक्सिमम 24 महीना। APR एनुअल परसेंटेज इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मैं आपको बता ही दिया। लो ट्रांजेक्शन फीस है। क्विक लोन्स एंड इजी EMI का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्विक ऑनलाइन लोन, लो इंटरेस्ट रेट, इजी लोन एप्लीकेशन प्रोसेस है, फास्ट लोन अप्रूवल है, जो कि बिल्कुल सही बात है। 5 मिनट के अंदर अंदर आपके बैंक में पैसा आ जाता है। ओके, डिजिटल प्रोसेसिंग है, 10 मिनट के अंदर अंदर लोन आपके बैंक में डिसबर्स कर दिया जाता है। ये हकीकत है, मेरा 10 मिनट के अंदर अंदर लोन मेरे बैंक में डिसबर्स हुआ है। ओके, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। बाकी इजी रिपेमेंट आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे फीचर्स इस एप्लीकेशन के देख लीजिए, तो एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगा वो डालना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी, ये सब कुछ डाल के आपको इजीली लोन के लिए अप्लाई कर देना है। ओके, अगर आप इस एप्लीकेशन से कभी का लोन के लिए अप्लाई किए हो, आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो भी वीडियो देखिए, क्योंकि कुछ तरीके होते हैं लोन लेने के। ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के जाओगे और कहीं से भी लोन ले लोगे, तरीका होता है भाई, दिमाग लगाना पड़ता है लोन लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी एप्लीकेशन ऐसे ही आपको लोन दे देगा। ओके, बाकी कुछ ही गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट्स में आपको लोन मिल जाएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी, बस। अगर आपको 50,000 रुपए तक का लोन चाहिए तो सिर्फ इतना ही देना है। अगर आपको 5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो आपको बैंक स्टेटमेंट इसमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, बाकी यहाँ पे देख लीजिए आवर लैंडिंग पार्टनर्स, तो इनके बहुत सारे लैंडिंग पार्टनर्स हैं, मतलब बहुत सारे NBFCs से इनका टाइप है, जैसे IIFL फाइनेंस लिमिटेड हो गया, उसके बाद से क्रेजी बी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड हो गया, और भी बहुत सारे हैं, टाटा कैपिटल हो गया, और भी बहुत सारे हैं गाइज। यहाँ पे सबका नाम है, कम से कम 12-15 है, 10-12 हैं, आप पूरा नाम पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल देके समझाया है कि भैया अगर आपको इतने का लोन मिलता है तो इतने दिन के लिए मिलेगा, इतना आपके बैंक में डिसबर्स किया जाएगा, इतना आपको टोटल रिपेमेंट करना होगा, इतना आपका हर महीना EMI आएगा, ये सब कुछ ये लोग बताए एग्जाम्पल देके, इतना प्रोसेसिंग फीस लगेगा, इतना GST लगेगा, तो वो सब कुछ आप देख लेना, देन आप लोन के लिए अप्लाई करना। थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप कोई बिजनेस लोन लेना चाहते हैं बिजनेस के लिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। बिजनेस लोन आपको मैक्सिमम यहाँ पे मिल जाएगा 2 लाख रुपए तक का। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का मिल जाएगा। टेन्योर मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 24 महीना। यहाँ पे मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का आपको बिजनेस लोन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे फिर से इन्होंने एग्जांपल देके समझाया है कि अगर आप एक सैलरीड हो और आप लोन लेते हो, तो अगर आपको 50,000 का लोन मिलता है तो 12 महीने के लिए मिलेगा। इंटरेस्ट रेट 20% पर एनम का। प्रोसेसिंग फीस 1,250 रुपए, ब्रैकेट में 2.5%। और कोई एक और फीस है जो कि 200 रुपए लगेगा। GST और प्रोसेसिंग फीस 261 रुपए अगर आप 50,000 का लोन लेते हो तो। EMI आपका आएगा 4,632 रुपए। APR आपका
26.92% आएगा, आपके बैंक में डिस्बर्स किया जाएगा लगभग 48,000 रुपए, आपको टोटल रिपेमेंट करना है 55,580 रुपए। ये लोग एग्जांपल देके समझाए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए, आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, आपके पास मंथली सोर्स का इनकम होना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम आपका मंथली होना चाहिए, ये याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ बताया गया है कि एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए मोबाइल नंबर डालना है, पहले प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा वो डालना है, आधार कार्ड पैन कार्ड सेल्फी डाल के इजीली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इनका मेल है, यहाँ पे इनके कस्टमर केयर का मेल है, कस्टमर केयर का कॉन्टेक्ट नंबर है। ऐप परमिशन की बात कर लेते हैं गाइस, कैमरा लोकेशन माइक्रोफोन एसएमएस अदर सबका परमिशन ले रहा है, कहीं भी आपसे कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन नहीं ले रहा है, क्योंकि एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन नहीं लेगा, लेगा भी तो कुछ करेगा नहीं। अब मैं आपको फटाफट से इस एप्लीकेशन का नाम बताता हूं, और आपको मैं बता दूं ये एप्लीकेशन पैन इंडिया लोन देती है, आप पैन इंडिया कहीं भी हो, गांव से हो, देहात से हो, शहर से हो, कहीं से भी हो, आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। पैन इंडिया ये एप्लीकेशन लोन देती है जहां तक मुझे पता है, बाकी एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, सारे बड़े सिटीज में तो डेफिनेटली लोन देती होगी, आप एक बार लोन के लिए अप्लाई करके चेक कर लेना आपके सिटी में लोन मिलता है कि नहीं मिलता है। जहां तक मुझे पता है ये एप्लीकेशन इतनी बड़ी है कि पैन इंडिया लोन प्रोवाइड करती है लोगों को। अब इसका नाम बताता हूं तो बैक करेंगे, इसका नाम है क्रेडिट बी पर्सनल लोन ऐप, क्रेडिट बी पर्सनल लोन ऐप, यहाँ पे देख लीजिएगा इस बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, 4.6 की रेटिंग है, 50 मिलियन प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स हैं, 4.6 की रेटिंग है, 50 मिलियन प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स हैं। बाकी यहाँ से नीचे से ऐसे ऐसे सी ऑल रिव्यूज हो जाएगा, सी ऑल रिव्यूज करके गाइस आप रिव्यूज वगैरह पढ़ लेना, रेटिंग वगैरह देख लेना, देन आप लोन के लिए अप्लाई करना, ओके। ये पूरा सी ऑल रिव्यूज करके आप रिव्यूज वगैरह पढ़ सकते हो, रेटिंग वगैरह देख सकते हो, देन आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आप लोग जिस चीज का वेट कर रहे हो कि अपना लोन दिखाओ, तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ गाइस, आपसे ज्यादा इंतजार मैं नहीं कराने वाला। यहाँ देख लीजिए गाइस, मेरा एक लोन इसमें चल रहा है, वो लोन मेरा चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं यहां से, मेरा एक लोन ऑलरेडी इसमें चल रहा है गाइस, रीपेमेंट पे जाएंगे, यहां पे मेरा एक लोन चल रहा है जो कि 18,000 रुपए का है, 9 जनवरी 2024 को मेरा ड्यू है, मतलब एक ईएमआई कट चुका है, दूसरा देख लीजिए 3,874 रुपीज का एक ईएमआई 9 दिसंबर 2023 को मेरा कट चुका है, दूसरा 9 जनवरी 2024 को मेरा दूसरा ईएमआई है, ठीक है, 9 जनवरी 2024, मतलब ये जो 9 आने वाला है 9 तारीख, और बाकी मेरा यहाँ पे 9 जनवरी 2024 को दूसरा ईएमआई कटेगा, पहला कट चुका है 9 दिसंबर 2023 को, यहाँ देख लीजिए पेड लिखा हुआ है, दूसरा ईएमआई कटेगा, टोटल 5 ईएमआई था, 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5, 5 ईएमआई था, 18,000 का लोन था, ओके। अगर मैं इसको फॉर क्लोज करना चाहता हूँ, मतलब कि टाइम से पहले चुकाना चाहता हूँ, तो मुझे देना पड़ेगा 15,351 रुपए, मुझे आगे का इंटरेस्ट नहीं देना है। काफी बढ़िया एप्लीकेशन है, 18,000 का लोन मिला था जो कि मिला था 5 महीने के लिए, यहाँ पे देख सकते हो लाइफ प्रूफ में आपको दिखा दिया 5 महीने का ईएमआई बना है। अब मुझे यहां से ऑप्शन मिल गया है 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन लेने का, ठीक है, क्योंकि मेरा सिविल स्कोर 800 के ऊपर है, तो मुझे इजिली लोन मिल जाता है कोई भी एप्लीकेशन से। बाकी गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे ऑप्शन मिला है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन मुझे कराना है, वेरिफिकेशन में मेरा बैंक स्टेटमेंट मुझे ऐड करना है, और ये 5 लाख रुपए का ताला अनलॉक हो चुका है, ये 5 लाख रुपए सीधे मेरे बैंक में लोग डिसबर्स कर देंगे जैसे ही मैं अपने बैंक स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन कराता हूँ। लेकिन मेरा 18,000 का अभी से ऑलरेडी एक लोन चल रहा है, तो मैं ये 5 लाख रुपए का लोन नहीं लूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे मिल चुका है, ऑफर आ चुका है, सिर्फ मुझे बैंक स्टेटमेंट ऐड करना है। मेन ऑफर होता है गाइस, ऑफर आ गया, आप बैंक स्टेटमेंट ऐड करो, या फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा बहुत, मतलब आपका होता है ना इसमें एग्रीमेंट पेपर वगैरह साइन करना पड़ता है, वो सब करो, आपको इजिली लोन मिल जाता है। तो मुझे ये 5 लाख का लोन मिल चुका है, लेकिन मैं अपने बैंक में इसको अभी नहीं लेने वाला हूं। बाकी मेरा जो 18,000 का लोन है वो मैं लिया था, वीडियो ही बनाने के लिए लिया था, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था, आप ही सब लोगों के लिए मुझे इतना लोन लेना पड़ रहा है। तो ये 18,000 का लोन मेरा अगर खत्म हो जाता है जल्दी, अगर मैं इसको फॉरक्लोज कर देता हूं, जब मेरे पास अभी तो खैर पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे मैं कर दूंगा, तो गाइज मैं आपको 5 लाख रुपए का भी लोन अपने बैंक में लेकर दिखा दूंगा, ठीक है। काफी मेहनत कर रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा लोन ले रहा हूँ, तो प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत है आप सभी के सपोर्ट की। अब मैं इसको बंद करता हूँ, एक और लोन एप्लीकेशन बताता हूँ, ठीक है, एक और लोन एप्लीकेशन बता देता हूँ जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है, उससे भी आपको बड़ा लोन मिल जाएगा, ओके। उस लोन एप्लीकेशन का नाम है गाइस फाइव, पहले इसको बंद कर देते हैं, फाइव लोन एप्लीकेशन का लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फाइव लोन एप्लीकेशन भी आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन दे देता है, और मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के दिए लिंक से अगर आप डाउनलोड करोगे फाइव लोन एप्लीकेशन, तो काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे आपको लोन मिलने के। एक और लोन एप्लीकेशन बता देता हूँ, जिनका सिविल स्कोर कम है या फिर जिनका सिविल स्कोर बहुत ही ज्यादा खराब है, उनको कोई भी लोन नहीं दे रहा है, तो वो इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेके अपना सिविल स्कोर ठीक कर सकते हैं। इस लोन एप्लीकेशन का नाम है ट्रू बैलेंस, इस एप्लीकेशन का भी लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन भी अगर आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के दिए लिंक से डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई करोगे इस
एप्लीकेशन से तो काफी ज्यादा चांस रहेगा आपको लोन मिलने का। टू बिलियंस एप्लीकेशन में गाइस दो तरीके के लोन मिलते हैं, एक लेवल अप लोन, एक कैश लोन। अगर आप कैश लोन के लिए जाओगे तो हो सकता है वहां पर आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़े, क्योंकि टू बिलियंस एप्लीकेशन आपको स्टार्टिंग में ही कैश लोन ज्यादा ऑफर करता है, दैट्स व्हाई आपसे बैंक स्टेटमेंट लेता है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप टू बिलियंस एप्लीकेशन का दूसरा वाला लोन ले सकते हो, जिसको लेवल अप लोन बोलते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में लेवल अप लोन आपको कम मिलेगा, 2-4 हजार का मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे गाइज आप लोन का रिपेमेंट करते जाओगे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। टोटली 11 लेवल होते हैं गाइज, जैसे ही ग्रे लेवल पे पहुंचते हो मैक्सिमम 1 लाख रुपए का लोन आपको टू बिलियंस एप्लीकेशन दे देता है। बाकी गाइज स्टार्टिंग में आपको 2-4 हजार का ही देगा, लेकिन आपके कम सिविल पे, जैसा कि मैं पहले ही बताया ये एप्लीकेशन लोन देता है, तो कम सिविल पे लोन लोगे छोटा लोन मिलेगा, ले लेके चुकाओगे तो बाकी लोन एप्लीकेशन आपको बड़ा लोन देने लगेंगे जब आपका सिविल थोड़ा बहुत भी इंक्रीज हो जाएगा। अब ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा आपका सिविल स्कोर कम है, बहुत ज्यादा खराब है, तब तो लोन नहीं देगा, लेकिन थोड़ा बहुत कम है, थोड़ा बहुत खराब है। लाइक आपका सिविल स्कोर मान लीजिए आपका सिविल स्कोर 600 है 650 है तो डेफिनेटली आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन लोन दे देगा, लेकिन बहुत ज्यादा सिविल कम रहेगा, बहुत ज्यादा खराब रहेगा, तब तो दिक्कत है भाई, तब तो नहीं मिलेगा लोन। बाकी गाइस ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, बढ़ गया आपको लोन दे देता है। सो गाइस यही था आज के इस वीडियो में, आई होप गाइस आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ऐसे ही मस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।